हेलो बच्चों। तो बच्चों, मैं हूं चंद्र दुरेचा और आपके साथ आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग वॉल्टर अप्रोच करने जा रहे हैं। वॉल्टर अप्रोच, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, वॉल्टर अप्रोच आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, एग्जाम में जनरली पेपर में आ जाती है, बट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। नो डाउट FM के अंदर दो ही चीजें होती है, या तो ईजी और या तो बहुत ईजी, पक्का। राइट, तो बच्चों नो डाउट इसको बिल्कुल सिंपल वे में लेंगे। देखो बच्चों, इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो रट्टाफिकेशन मेथड, राइट, और दूसरा हम कर सकते हैं लॉजिकल मेथड, कि ये वॉल्टर अप्रोच है क्या। और आपके प्रोफेशनल एग्जाम में रट्टाफिकेशन अप्रोच किसी भी तरह से काम की नहीं है, नहीं है। तो आपको इसको लॉजिकल मेथड के अकॉर्डिंग ही समझना होगा। राइट, तो थोड़ा सा लॉजिक बताते हुए इसको मैं बताने जा रहा हूं, अदरवाइज अगर इसको रट्टाफिकेशन के अकॉर्डिंग करें तो इट विल हार्डली टेक 2 to 3 minutes। राइट, सो कैन वी डू, यस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वॉल्टर अप्रोच ये बताती है दैट हाउ मच, इंट्रोडक्शन बताया था आपको मैंने, हाउ मच अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी distributed by company। बच्चों इस अप्रोच को कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ऑल और नन डिविडेंड। इसका मीनिंग क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। राइट, हमारी ये अप्रोच कहती है कि या तो पूरा का पूरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करो। ये किस बात पर बेस्ड है, ये क्या बताती है, क्या समझाती है, लेट अस टॉक अबाउट। राइट, पर उससे पहले वॉल्टर अप्रोच कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है। इनफैक्ट सभी के सभी अप्रोचेस, सभी के सभी मॉडल्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं। ऐसे ही वॉल्टर अप्रोच भी हमारी कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है। ये एजम्पशंस क्या क्या है, ये एजम्पशंस क्या क्या है। राइट, तो बच्चो एजम्पशन नंबर वन, कंपनीज हैव ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बच्चों आई थिंक मीनिंग बिल्कुल क्लियर है इसका, मीन्स किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी अमाउंट ऑफ डेप्ट नहीं होगा। राइट, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इक्विटी शेयर्स, 100% इक्विटी यू कैन से। राइट, तो सबसे पहले पोर्शन में हमने कहा कि हमारी कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर्स है, इसके अलावा किसी और की और तरह की कैपिटल नहीं है। ठीक है, नंबर टू, अर्निंग्स कैन आइदर बी इन्वेस्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। राइट, क्या कहता है कि जो भी प्रॉफिट आपका अराइज होगा कंपनीज के अंदर, या तो उसको 100% हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में, जिस तरह का वर्किंग, जिस तरह का काम हमारी कंपनी कर रही है, जिस तरह के बिजनेस में हमारी कंपनी एंगेज्ड है, हमारी कंपनी उस प्रॉफिट को उस बिजनेस में या तो इन्वेस्ट कर देगी और या तो डिविडेंड की फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो हमारी कंपनी डेफर्ड नहीं करेगी, हमारी कंपनी किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो कहां पर इन्वेस्ट करेगी, हमारे बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, ओके, एंड अर्निंग्स ऑफ कंपनीज आर कॉन्स्टेंट इन डिफरेंट ईयर्स। तो बच्चों यहां पर हमारी वॉल्टर अप्रोच ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि देयर इज नो ग्रोथ इन द अर्निंग्स, कंपनीज के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हर साल सेम होंगे। राइट, कंपनीज के प्रॉफिट हर साल सेम होंगे। राइट, तो ये भी हमारी ये अप्रोच एज्यूम करती है। एंड नंबर फोर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी
cost of equity will always known and remains constant. राइट तो क्या कहा हमने हमने कहा कि हमारी कंपनी ने जिस प्रोजेक्ट में पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से जो हमारी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है अर्निंग्स कमा रही है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा रही है राइट और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो रेट रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये दोनों के दोनों रिटर्न दोनों के दोनों रेट हमें ऑलरेडी मालूम है और साथ ही साथ फ्यूचर में ये रेट हमेशा हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे सेम रहेंगे राइट ये भी इस अप्रोच में एज्यूम किया गया है बट सर यहां पर थोड़ा सा मुझे यहां बताना चाहिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मीनिंग क्या है क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारी ये अप्रोच आगे की तरफ आपको एक रास्ता बता रही है एक वे बता रही है दैट व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है राइट उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है राइट सो कैन वी स्टार्ट राइट हियर वी गो सो बच्चों हमने कहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा सिंपल है बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए मान लेते हैं कि हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर फंड है रुपीज 20 लाख ठीक है और हमारी कंपनी के जो अर्निंग्स हैं अर्निंग्स ऑफ कंपनी इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख राइट अगर अब आपको कहा जाता है कि बताओ आरओआई क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं आरओआई तो बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है तो हम कहेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स में देखो कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है इक्विटी शेयर होल्डर्स का सो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है 20 लाख और हमारी कंपनी ने इस 20 लाख को इन्वेस्ट करके कितना पैसा अर्न किया 2 लाख तो बताओ हाउ मच रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट द कंपनी इज अर्निंग We can have a percentage of these two, ठीक है तो इस purpose के लिए हम लोग क्या करेंगे ये जो earnings होंगी earnings of company divide by किसको इसको divide कर दिया जाएगा किससे equity shareholder fund से right into 100 right तो बच्चों इसको divide किया आपने 2 lakh upon 20 lakh into 100 और ये आपके पास आ जाता है how much percent 10% क्या आ जाता है 10% राइट सो दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके अलावा हमारे पास हमारे इस अप्रोच ने एक वर्ड और यूज किया दैट इज केई राइट क्या है ये दिस इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइट इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हमारी वर्ल्ड अप्रोच ने कहा यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिपीट अगेन दिस इज बेसिकली expectations of equity shareholders from investment in company ठीक है ये मीनिंग है बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मीनिंग बट सर इस वर्ड से भी हमें एक्चुअल में मीनिंग क्लियर नहीं होता है मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास 10,000 रुपए का अमाउंट है आप इस 10,000 रुपए को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जब इस पैसे को किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे तो उस 10,000 रुपए की रिस्पेक्ट से आप कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे कि हमें इतनी रिटर्न मिलनी चाहिए तो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट द केई और यू कैन से कॉस्ट ऑफ इक्विटी ठीक है बच्चे सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है बट नाउ द थिंग इज नाउ क्वेश्चन इज कि ये पता कैसे चलेगा इन्वेस्टर को कि कितनी एक्सपेक्टेशन हमारे इन्वेस्टर की किसी कंपनी से है भाई मैंने रिलायंस में 1,000 के हिसाब से 10,000 रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया राइट अब 10,000 रुपया मेरा इन्वेस्टेड है पर मेरी एक्सपेक्टेशन तो है बट हाउ मच कितनी ये कैसे मालूम चलेगा इट्स डिफिकल्ट
राइट अब इस पर्पज के लिए वॉल्टर कहता है कि आप ये देखिए, हमारा इक्विटी शेयरहोल्डर ये देखेगा कि जो भी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है, अगर ये पैसा यहां पर इन्वेस्ट ना करके वो कहीं दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करता तो वो क्या रिटर्न अर्न कर सकता था। राइट मींस अगर मैं रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट ना करके अगर मैं इसको किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे मालूम है कि वहां से मेरी 9% रिटर्न तो अराइज होगी ही होगी। कितनी अराइज होगी? 9%। और यू कैन से इसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यू कैन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये इसको आप ऐसे कर दें दैट रिटर्न फ्रॉम एनी अदर प्लेस ऑफ सिमिलर कंपनी। किसी और प्लेस पर सिमिलर कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये वाला, तो वहां से आपको क्या रिटर्न मिल रही है, ये है बेसिकली केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। राइट तो मैंने कहा रिलायंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ना करके अगर मैं इसको किसी टाटा की कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो वहां पर मुझे मालूम है कि मुझे 9% रिटर्न तो मिल ही रही है। तो मेरा यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई जो होगा वो कितना होगा बच्चों? 9%। राइट अब वॉल्टर कहता है कि अगर किसी कंपनी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो 10% है और हमारे इक्विटी शोल्डर की एक्सपेक्टेशन या इक्विटी शोल्डर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी कंपनी ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकती है, हमारी कंपनी ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकती है एज कंपेयर टू द शेयर होल्डर थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर प्लेस। थोड़ा सोचिए बच्चों, आपके पास 10,000 रुपए का अमाउंट है, राइट आपने इसको एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, राइट वो कंपनी जब इस 10,000 को इन्वेस्ट करेगी तो वो कितना रिटर्न अर्न कर सकती है? 10%। राइट और अगर आपने ये पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आप अपने आप से जो रिटर्न अर्न करते वो कितना रिटर्न अर्न करते? 9%। तो बच्चों क्या अच्छा है, इस कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड रहना या फिर विड्रॉ करके किसी दूसरी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर देना? इसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहना। राइट वॉल्टर अप्रोच भी इसी कॉन्सेप्ट को बेस लेकर अपनी थ्योरी देता है, अपनी अप्रोच देता है। ये कहता है कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे इक्विटी शेयरहोल्डर्स की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है सो दिस मीन्स दैट कंपनी कैन अर्न हायर रिटर्न देन द इक्विटी शेयरहोल्डर्स एंड हेंस अमाउंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल। बच्चों जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, थोड़ा सोचो, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा तो सारा का सारा पैसा हमारी कंपनी जो है वो अपने पास रखेगी। राइट अगर अपने पास रखेगी तो उस पैसे को भी वो क्या करेगी? री इन्वेस्ट। हमने कहा एजम्पशन में हमने ऑलरेडी लिखा है कि जो भी अर्निंग्स आएंगी उनको क्या किया जाएगा, या तो इन्वेस्टेड या तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर उस पैसे को सारे को अपने पास रखा गया तो अमाउंट रिटर्न उस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर कितनी हमारी कंपनी अर्न कर सकती है? 10%। राइट सो दैट इज मोर, दैट इज हायर, दैट इज हायर देन द इक्विटी शेयरहोल्डर्स। तो इस केस में हमारा वॉल्टर कहता है दैट वी शुड नॉट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एनी डिविडेंड, वी हैव टू रिटेन दैट ऑल द अर्निंग्स विद आवर सेल्फ एंड री इन्वेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। राइट बट बच्चो मान लो अगर आपका तो नहीं सर, हम तो वॉल्टर की अप्रोच को यूज नहीं करते, हम लोग अप्रोच यूज नहीं करते हैं और डिविडेंड का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। राइट तो अगर कंपनी के पास जो भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट का सारा अमाउंट अगर कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे दिया, राइट आप शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी हूं और मैंने आपको सारा का सारा अमाउंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बच्चों आप इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करोगे? किसी दूसरे प्लेस पर। जब दूसरे प्लेस पर इन्वेस्ट करोगे तो वहां से रिटर्न कितनी कमाओगे? 9%। राइट तो अच्छा क्या था, इस पैसे को मेरे पास अपने मेरे पास रहने देना या फिर आपको दे देना? कंपनी के पास रहने देना, क्योंकि कंपनी इस पैसे को इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकती है एज कंपेयर टू द शेयर होल्डर कैन फ्रॉम हिज ऑन इन्वेस्टमेंट। राइट वॉल्टर कहता है कि अगर आरओआई कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है,
This means companies can earn higher return than the equity shareholders, and hence maximum to maximum should be retained by the company, or you can say minimum to minimum should be given as the dividend. और बच्चों minimum to minimum dividend कितना होता है? Zero. Minimum to minimum कितना होता है? Zero. इसको मैं ऐसे लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा है और आप इसको समझ लेंगे इजिली. मैंने कहा डैट केस वन पहला केस क्या हो सकता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. बच्चों क्या कहा हमने? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो आई थिंक मीनिंग इज वेरी क्लियर दैट द कंपनीज कैन अर्न मोर रिटर्न देन द इक्विटी शेयरहोल्डर्स कैन फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट. राइट, अगर शेयरहोल्डर दूसरी जगह पर इन्वेस्ट किए तो उसे कम पैसा रिटर्न मिलेगा और हमारी कंपनी जो है रिटर्न ज्यादा अर्न कर रही है. तो अगर ऐसा है, राइट, सो इन दिस केस वॉल्टर सजेस्ट. बच्चों ये जो भी बातें हम हो रही है वो मैंने आपको नहीं सिखाई, ये किसने बताई है? वॉल्टर ने. तो वॉल्टर ने जो कहा वो आपको बताया जा रहा है. राइट, सो वॉल्टर सजेस्ट कंपनी कैन अर्न मोर रिटर्न देन इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन फ्रॉम देयर ओन कंपनीज should retain profits to maximum extent and give lowest amount of dividends. राइट, तो इस केस में हमारी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास रिटेन रखना चाहिए और कम से कम अमाउंट डिविडेंड की फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए. ठीक है, तो बच्चों डिविडेंड कम से कम, यानी कि यहां पर हमारा वॉल्टर कहता है कि ऑप्टिमम पे आउट रेशो. आई थिंक आप पे आउट रेशो समझते हैं. हाँ जी, कब? छोटी बेसिक क्लास में किया था हमने. सो ऑप्टिमम पे आउट रेशो इन दिस केस शुड बी, यस प्लीज बताएंगे कितना? लोएस्ट अमाउंट ऑफ डिविडेंड. तो कम से कम डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा? 0%. राइट, कम से कम कितना होगा? 0%. राइट, सो बच्चो ये केस वन है. पर क्या हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा कि हमेशा हमेशा आरओआई जो है केस कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा ही होगी? ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है. तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आरओआई से ज्यादा हो. क्या हो सकता है? दैट आरओआई इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. राइट, मींस ऐसे समझ लो बच्चों कि ये 10% ही है और जो हमारा इन्वेस्टर दूसरी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करके कमा सकता है वो कितना कमा सकता है? 15%. एज यू, मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया. राइट, तो बच्चों अगर ऐसा है तो इस केस में हमारा वॉल्टर कहता है कि हमारी कंपनीज को कुछ भी पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए. राइट, ज्यादा से ज्यादा पैसा डिविडेंड की फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि कंपनीज जब ज्यादा से ज्यादा पैसा डिविडेंड की फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी तो शेयर होल्डर्स के पास ये पैसा आ जाएगा, और जब शेयर होल्डर्स के पास ये पैसा आ जाएगा तो शेयर होल्डर्स इस पैसे को दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं. राइट, तो शेयर होल्डर्स यहां पर दूसरी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज वी हैव. तो हमने कहा आरओआई इज लेस देन केई. राइट, सो लिखेंगे दैट शेयर होल्डर्स कैन अर्न मोर
थ्रू इन्वेस्टमेंट बाय देयर ओन एज कंपेयर टू कंपनीज. हेंस कंपनीज मस्ट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स टू मैक्सिमम एक्सटेंट. सो इस केस में हमारी कंपनीज को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, राइट. और बच्चों बताना मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिविडेंड का जो अमाउंट होना होगा वो कितना हो सकता है? 100% से ज्यादा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता. तो यहां पर हम लोग कहेंगे दैट द ऑप्टिमम पे आउट रेशो एंड दैट शुड बी इक्वल टू कितना परसेंट? 100%. ऑप्टिमम पे आउट रेशो शुड बी द 100%. अच्छा, इस केसेस में हमारा वॉल्टर यह भी कहता है कि अगर कंपनीज ऐसा करेंगी तो आप ये देखना कि कंपनीज का जो मार्केट प्राइस होगा दैट विल बी हाइएस्ट. आई रिपीट अगेन, इफ कंपनी विल डू ऑल दिस सजेशंस ऑफ द वॉल्टर देन द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज विल बी हाइएस्ट, राइट. तो इस पर्पज के लिए वॉल्टर एक फॉर्मूला देता है, एक मेथड बताता है कि मार्केट प्राइस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. दैट वी डू ऑल्सो, राइट. एक केस थ्री है, पहले केस थ्री लिख लेते हैं. एंड केस नंबर थ्री, बच्चों केस नंबर थ्री क्या हो सकता है? ROI इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इसका मतलब यह हुआ कि हमारी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट से और हमारा शेयरहोल्डर अपने आप से सेम रिटर्न अर्न कर रहा है. मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है. इसके साथ ही साथ हमारा शेयर होल्डर अपने आप से अगर किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देगा तो भी वो भी कितना रिटर्न अर्न करेगा? 10%, राइट. इफ दीज टू आर सेम, तो वॉल्टर कहता है कि यहां पर हमारी कंपनीज जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये पैसा कंपनी ने अपने पास रखा तो वो रिटर्न अर्न करेगी 10%, और अगर ये पैसा हमारी कंपनीज ने अपने पास नहीं रखा, इसको डिविडेंड के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो शेयर होल्डर इस पैसे को किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करेगा, और दूसरी जगह जब वो इन्वेस्ट करेगा तब भी रिटर्न जो अराइज होगी वो भी कितनी होगी? 10%, राइट. तो वेरी सिंपल टू से बच्चों लिखते हैं, राइट. हियर एनी पे आउट, बच्चों जब हम बोलते हैं पे आउट तो पे आउट का मतलब क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो से. एनी पे आउट ऑफ डिविडेंड इज ऑप्टिमम बिकॉज रिटर्न अर्नड बाय कंपनी एंड रिटर्न earned by investor on their own is same. हाँ जी, दोनों के दोनों क्या है बच्चों? सेम है. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, राइट. आई थिंक समझ में आ गया, राइट. और बच्चों इतना ही नहीं, हमारे वॉल्टर ने यह भी कहा कि जब भी हमारी कंपनीज का फेयर मार्केट प्राइस आइडेंटिफाई करेंगे तो इस पर्पस के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला फाइंड करेंगे, राइट. सो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, आई रिपीट अगेन, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू DPS प्लस EPS माइनस DPS into R upon K and whole upon cost of equity, right? And this is nothing but the present value of the dividend and the retained earnings of the company, right? Present value of the dividend and retained earnings of the company. So, bacho, Walter ne ye formula diya basically for the purpose of computing market price of the share. Aur Walter kehta hai ki aap dekhenge ki agar aap mere bataye hue suggestion par dividend distribute karenge to company ka jo market price per share hoga wo hamesha maximum hoga,
अगर आप वॉल्टर के अप्रोच के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी विल ऑलवेज बी मैक्सिमम, राइट। तो ये लिख भी सकते हैं दैट इफ वी फॉलो वॉल्टर अप्रोच देन मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी विल ऑलवेज बी हाई, राइट। तो हमारे वॉल्टर के अकॉर्डिंग अगर हम वॉल्टर की बात मानते हैं तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हमेशा हाईएस्ट होगा। अब बच्चों इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी सीख लेते हैं, राइट। तो हम लोग अपने नोट्स में आ रहे हैं और हमारे नोट्स में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। कैन वी डू दिस? यस। तो ये हम हटा देते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपके सामने होना चाहिए। इनफैक्ट मैं अभी इस क्वेश्चन को इस लिखी हुए राइटिंग वर्क से कोरिलेट भी करूंगा, राइट। तो आप इसको एज इट इज कॉपी कीजिएगा। तो क्वेश्चन वन रीड करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दैट द अर्निंग्स पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज ₹8। क्वेश्चन नंबर वन कर रहे हैं और क्वेश्चन वन कहता है दैट द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इज ₹8, ईपीएस ₹8 का है। अच्छा आगे कहता है एंड द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन अवेलेबल इज 10%। कहता है कि रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 10%। तो रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना है ये 10%। ये रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन वर्ड क्यों यूज कर रहा है प्लीज ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखो मार्केट प्राइस पर शेयर, अभी मैंने आपको कहा क्या फॉर्मूला है, डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू R अपॉन K एंड होल डिवाइड बाय K। तो बेसिकली K से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो बेसिकली K इज द रेट ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ द अर्निंग्स, राइट। तो डिविडेंड को एंड रिटेन अर्निंग को हमने कैपिटलाइज कर दिया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। सो रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन स्टैंड फॉर द KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। तो आगे लिखता है दैट द कंपनी हैज बिफोर इट एन ऑप्शन ऑफ अडॉप्टिंग नंबर वन 50%, 75% एंड 100% डिविडेंड पे आउट रेशो। कहता है कि हमारी कंपनी जो है डिविडेंड पे आउट रेशो 50%, 75% एंड 100% पे आउट रेशो रख सकती है। सो हमें क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड पे आउट रेशो गिवन है और ये डिविडेंड पे आउट रेशो तीन है, डिविडेंड पे आउट रेशोज आपके पास है। नंबर वन कितना बचो 50% एंड नंबर टू कितना 75% एंड नंबर थ्री कितना है बच्चों 100%। तो वी हैव थ्री डिविडेंड पे आउट रेशियोज इन द क्वेश्चन, राइट। डिविडेंड पे आउट रेशियो समझते हो? यस, समझ जाना चाहिए अब आपको। डिविडेंड पे आउट रेशियो शो करता है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है विद रिस्पेक्ट टू द ईपीएस, विद रिस्पेक्ट टू द ईपीएस। लाइक डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% कहता है कि आपने ₹8 का 50% यानी कि ₹4 का अमाउंट एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है या करने की आप सोच रहे हो, राइट। तो फिर से लिखा हूं आपके पास द कंपनी हैज बिफोर इट एन ऑप्शन ऑफ अडॉप्टिंग, मतलब कंपनी के पास ये सारे ऑप्शंस हैं, यानी कि हमारी कंपनी इन सब के बारे में सोच रही है। तो क्या सोच रही है, ऑफ अडॉप्टिंग नंबर वन 50%, 75% एंड 100% डिविडेंड पे आउट रेशो। कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज कॉटेड शेयर्स एज पर द वॉल्टर मॉडल इफ इट कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ। कहते हैं कि हमारी कंपनी कितना रिटर्न अर्न कर सकती है, इट कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 15%, 10% एंड 5% ऑन इट्स रिटेन अर्निंग। कहता है कि हमारी कंपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
हमारी कितनी कंपनी कितना कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न कर सकती है. नंबर ए, यस प्लीज, 15%. नंबर परसेंट. नंबर सी कितना, 5%. यस सर, 15%, 10% या 5%. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी का 15% हो सकता है, 10% हो सकता है या 5% हो सकता है. करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट. कहता था बच्चों क्वेश्चन में, कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज कोटेड शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल. बताइए वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी के शेयर का प्राइस कितना होगा. वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस कितना होगा. सो दिस अमाउंट, दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज, मार्केट प्राइस पर शेयर. फॉर्मूला क्या है, डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर अपॉन के डिवाइडेड बाय के. राइट. तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या चाहिए हर सिचुएशन में. देखो बच्चों ये हमारे पास 9 केसेस बन गए हैं. 9 केसेस ना हमारे पास ये, और 9 केसेस बन गए हैं. इन 9 केसेस के अंदर हमें बेसिकली मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर फाइंड करना है एज पर द वॉल्ट अप्रोच. राइट. तो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो इन दीज थिक केसेस वी हैव टू फाइंड आउट मार्केट प्राइस. तो बच्चों देखो सबसे पहले इधर डीपीएस, यहां पर डीपीएस कितना होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 50%. तो 50% किस चीज का, अर्निंग्स का. तो कितना हो जाता है ये, 4 रुपीज. सो डीपीएस इज इक्वल टू 4 रुपीज. ठीक है. अब आप इस मार्केट प्राइस पर शेयर फाइंड कीजिएगा, डीपीएस 4 रुपीज प्लस ईपीएस अगेन, एंड द ईपीएस इज 8 माइनस डीपीएस 4 इंटू आर. आर क्या चीज है बच्चों, आर रेट ऑफ रिटर्न. तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये हमें मालूम है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिस वी नो इट्स 0.15. राइट. एंड डिवाइड बाय किससे कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 0.10. एंड होल डिवाइडेड बाय 0.10 अगेन. यस यस सर. तो बच्चों अब आप कैलकुलेशन करेंगे, दिस इज 4 प्लस 4 इंटू 0.15 अपॉन 0.10 एंड होल डिवाइड बाय 0.10. सो ये अब आपकी कैलकुलेशन है, कितना आता है बच्चों, 100 रुपीज. सो दिस इज ₹100. ठीक है. अब बच्चों यहां पर आइए, यहां पर इस पोर्शन में, तो यहां पर जो डीपीएस होगा वो कितना होगा, 75% एंड 75% ऑफ अगेन किस चीज का, 8 रुपीज का. तो आप 8 रुपीज का 75% कर दीजिए, आई थिंक 6 रुपीज. सो डीपीएस इज इक्वल टू ₹6. और आपको फिर से हमारे इस फॉर्मूले के थ्रू, वॉल्टर के फॉर्मूले के थ्रू बेसिकली मार्केट प्राइस आइडेंटिफाई करना है. राइट. सो मार्केट प्राइस पर शेयर, डीपीएस 6 प्लस ईपीएस 8 माइनस 6 इंटू आर 0.15 अपॉन. बच्चों 0.15 क्यों लिया, क्योंकि हम लोग अभी हम ए पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कॉमन हर एक के लिए गिवन है 10%. 0.10 कैलकुलेशन आप करेंगे, कैलकुलेशन मुझे नहीं करना. और नेक्स्ट केस में डीपीएस अगेन दिस इज 100%. 100% ऑफ व्हाट, ईपीएस 8 रुपए का. तो 8 रुपए का 100% तो 8 ही होता है ना. तो बच्चो फिर से आप मार्केट प्राइस पर शेयर फाइंड करेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर इट्स 8 प्लस 8 माइनस 8 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.10 एंड होल डिवाइडेड बाय 0.10. आई थिंक 80 रुपीज, ये तो 80 आएगा. राइट. अच्छा नहीं सॉरी, 80 नहीं आएगा, 80 आएगा. ठीक है, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा. बीच वाला इट्स 90. राइट. और बच्चों 10% वाले केस में मार्केट प्राइस पर शेयर फाइंड करते हैं, इट्स डीपीएस तो 4 रुपए है, क्योंकि अब हम इस कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो में डीपीएस 4 रुपीज. एंड देन ईपीएस कितना है, 8 रुपीज माइनस 4 रुपीज इंटू 0. इस कैटेगरी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आर अब कितना हो गया है, 0.10. ठीक है ना. एंड डिवाइडेड बाय k
k.10 एंड होल डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो आपकी बाकी कैलकुलेशंस हैं, नथिंग एल्स। मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू फिर से डिविडेंड पर शेयर 6 प्लस 8 माइनस 6 इंटू 0.10 डिवाइड बाय 0.10 डिवाइड बाय 0.10। आर भी 10% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो हर केस में 10% ही है, तो आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे और मुझे बता देंगे कितना आ गया। एंड नेक्स्ट केस में अगेन मार्केट प्राइस पर शेयर, सो डिविडेंड पर शेयर 8 माइनस 8 इंटू 0.10 अपॉन 0.10 एंड होल डिवाइड बाय 0.10, तो बच्चों ये नंबर भी आ गया, राइट सर। तो बच्चों कैलकुलेशन कीजिए एंड मुझे बताइए क्या कितना आया वैल्यूज, और इसके बेसिस पर हम लोग कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं। बेसिकली हमें एक कंक्लूजन फाइंड करना है जिस कारण से ये सारी की सारी कैलकुलेशन हम लोग आपके साथ कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाई बाय आर, और बच्चों अब थर्ड केस में आर कितना हो गया है 5%। हाँ जी बता रहे हैं 80, सो 80 एंड 80, राइट। नेक्स्ट 0. अच्छा यहां पर आर कितना है 5%, सो ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर, आर है 0.5 डिवाइड बाय 0.10 एंड होल डिवाइड बाय 0.10। एंड अगेन मार्केट प्राइस पर शेयर इट्स डीपीएस, डीपीएस इज 6 प्लस 8 माइनस 6 इंटू 0.05 अपॉन 0.10 एंड होल डिवाइडेड बाय 0.10। सो मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया, राइट। फिर से मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू डीपीएस 8 प्लस 8 माइनस 8 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 0.10 एंड होल डिवाइड बाय 0.10। यस प्लीज, फर्स्ट केस में आंसर बताइए बच्चों। कैलकुलेशंस आपको करनी है, इन कैलकुलेशंस के बाद एक हम कंक्लूजन फाइंड करेंगे, यही कंक्लूजन हमारे क्वेश्चन का बेसिकली क्रक्स होगा। इनफैक्ट हमारे कॉन्सेप्ट का भी यही कंक्लूजन हमारा क्रक्स होगा। प्लीज डू दिस वेरी फास्ट। 60 फर्स्ट केस में, ओके फर्स्ट केस में इट इज 60। एंड द सेकेंड केस कैलकुलेशन कीजिए बच्चों आप। सो 8 माइनस 6 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 0.1 एंड प्लस 6 डिवाइड बाय 0.1 70 और आगे चलेगा 80। ओके तो बच्चों देखो, आपने सभी के सभी मार्केट प्राइसेस आइडेंटिफाई कर लिए, फाइंड कर लिए, राइट। तो जैसे आपने ये सभी के सभी मार्केट प्राइसेस आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और अब आप आइडेंटिफाई कीजिए कि हमने पहले क्या सीखा था और अब हमने क्या फाइंड किया। थोड़ा ध्यान सोचिए, देखिए प्लीज ऊपर ध्यान दे दीजिए ऊपर सिर्फ। देखो हमारा फर्स्ट केस जो है इसमें आर है 15%, राइट, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 10%। दिस मीन्स आर इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और अगर आर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी कंपनीज ज्यादा रिटर्न अर्न कर रही है एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम द अदर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारी कंपनी को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास रखना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए? अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी कैन अर्न मोर रिटर्न देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट यह था, क्योंकि आर इन द फर्स्ट केसेस इन दिस केस आर इज मोर देन के, बच्चों ध्यान सुनिए, आर इज मोर देन के, इसलिए हमारा वॉल्टर यह सजेस्ट करता है कि हमारी कंपनी अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रखेगी, यानी कि डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारा वॉल्टर सजेस्ट करता है 0%, ठीक है। तो अगर कंपनी कम से कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो मार्केट प्राइस हमेशा हमेशा हाईएस्ट होगा, और देखो ऐसा हो रहा है या नहीं। कंपनी ने 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, मार्केट प्राइस 100। कंपनी ने डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया तो मार्केट प्राइस कम हो गया। कंपनी ने और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो मार्केट प्राइस क्या हो गया, और कम हो गया। मीन्स जितना ज्यादा कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती जा रही है उतना मार्केट प्राइस क्या होता जा रहा है,
कम, क्योंकि आर इज मोर देन के ई। तो यहां पर अगर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो की बात की जाए तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा? 0%। ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास रखना है प्रॉफिट्स का, डिविडेंड की फॉर्मेट में कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो आई कैन से ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 0%। एंड यू कैन से जितना कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, अच्छा है। इज इट क्लियर? चलिए सर, बहुत अच्छी बात। और आगे चलते हैं बच्चों, सेकंड केस देखिए। देखो यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 10%। और आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो 10% ही था, यानी कि कंपनी अगर खुद से इन्वेस्ट करे तो 10% कमाएगी, और अगर इक्विटी शोल्डर खुद से इन्वेस्ट करे तो कितना कमाएगा? 10%। तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों सेम रिटर्न अर्न कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा वॉल्टर क्या कहता था कि कुछ भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो ये मार्केट प्राइस में भी रिफ्लेक्टेड है, डिविडेंड जितना भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए मार्केट प्राइस विल रिमेन्स सेम। और यही बात वॉल्टर भी आपको समझा रहा है, कह रहा है, राइट। तो यहां पर हमने कहा दैट आर इज इक्वल टू के ई। सो यहां पर वॉल्टर क्या कह रहा है? ये हम बात कर रहे हैं एज पर वॉल्टर। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इनमें से कुछ भी बात मैंने नहीं कही है, सब बातें किसने कही है? वॉल्टर ने। मैंने तो सिर्फ आपको सिखाया है, राइट। सो आर इज इक्वल टू के ई। तो यहां पर हमने कहा एनी डिविडेंड पे आउट इज ऑप्टिमम। कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी कंपनी का जो मार्केट प्राइस है उससे इफेक्टेड नहीं है। और हमारे इन्वेस्टर्स को हमेशा हमेशा मार्केट प्राइस को हाईएस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स को हमेशा हमेशा मार्केट प्राइस को मैक्सिमम करने के लिए सोचना चाहिए, राइट। सॉरी। अच्छा, और आगे सुनते हैं। आर क्या है? 5%। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी अपने आप से इन्वेस्ट करेगी तो कितना कमाएगी? 5%। शेयर होल्डर अगर खुद से इन्वेस्ट करेगा कितना कमाएगा? 10%। सो इसका मतलब अब ये कि ज्यादा से ज्यादा पैसा डिविडेंड के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कंपनी को। इस केस में वॉल्टर सजेस्ट करता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा डिविडेंड के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ताकि हमारा शेयर होल्डर इस पैसे को दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करके हाईएस्ट रिटर्न अर्न कर सके, राइट। सो यहां पर हमने कहा आर इज लेस देन के ई है। सो मैक्सिमम डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो जो इसमें अगर आपको कहा जाए कि ऑप्टिमम पे आउट रेशो कितनी है, तो क्या कहोगे? कितना बच्चों? 100% पे आउट रेशो करोगे तो इस केस में मार्केट प्राइस जो होगा वो हमेशा हमेशा हाईएस्ट होगा। देखो ऐसा ही है या नहीं? 50% 70 रुपीज, मतलब 75% किया पे आउट रेशो तो 70 रुपए, और जब 100% किया तो मार्केट प्राइस और बढ़ गया 80 रुपए। तो हाईएस्ट मार्केट प्राइस के लिए कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? 100%। सो दिस इज अबाउट द वॉल्टर अप्रोच, राइट। कंक्लूड करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, पहले इस वॉल्टर अप्रोच को हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं, राइट। वॉल्टर अप्रोच इज द थ्योरी, इज द मॉडल विच सजेस्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी, राइट। लाइक इन द एनी केस वॉल्टर सजेस्ट दैट कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड सो दैट द मार्केट प्राइस इज हाईएस्ट। कंपनी को इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जिससे कि मार्केट प्राइस क्या हो? हाईएस्ट हो, राइट। एंड फॉर द पर्पस ऑफ हाईएस्ट मार्केट प्राइसेस, सबसे पहले वॉल्टर ने एक फॉर्मुला दिया फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस। एंड वॉल्टर सजेस्ट आप आर एंड के का रिलेशनशिप फाइंड कर लो। आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड के मतलब
कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइट. आर मतलब हमारा हमारी कंपनी अगर रिटेन अर्निंग को अपने आप से इन्वेस्ट करे तो वो कितना रिटर्न अर्न कर सकती है. एंड के मतलब अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स इस पैसे को इन्वेस्ट अपने आप से करे तो वो कितना रिटर्न अर्न कर सकता है. एंड अगर आर इज मोर देन के ही दिस मीन्स कंपनी रिटर्न ज्यादा अर्न कर सकती है एज कंपेयर टू द इन्वेस्टर्स राइट. तो इस केस में हमारा वोल्टर कहता है क्योंकि कंपनी ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकती है इसलिए कंपनीज को इस सारे पैसे को मतलब प्रॉफिट्स के सारे हिस्से को अपने पास रखना चाहिए. डिविडेंड का अमाउंट कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए. तो इस केस में जब आर इज मोर देन के ई हो देन इन दिस केस ऑप्टिमम पेयर रेशियो इज व्हाट 0%. इज इट क्लियर राइट. और अगर आर इज लेस देन के ई हो आर इज लेस देन के ई शो करता है कि कंपनीज कम रिटर्न अर्न कर सकती है और हमारे इक्विटी शेयरहोल्डर्स किसी दूसरी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करके कम रिटर्न अर्न कर सकता है ज्यादा रिटर्न कर सकता है. आई रिपीट अगेन कंपनीज कम रिटर्न अर्न कर सकती है और हमारा इक्विटी शेयरहोल्डर्स किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकता है. एंड इफ दिस इज द केस अगर ऐसा है कि आर इज लेस देन के ई तो इस केस में हमारा वॉल्टर कहता है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डिविडेंड का आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. ठीक है. सो इन दिस केस आर इज लेस देन के ई का मतलब दैट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शुड बी हाउ मच 100%. इज इट क्लियर. अच्छा और आगे चलते हैं. अगर आर इज इक्वल टू के ई आर और के ई दोनों बराबर हैं सेम है तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी एंड इक्विटी शेयरहोल्डर्स दोनों के दोनों सेम रिटर्न अर्न कर सकते हैं. अगर दोनों के दोनों सेम रिटर्न अर्न कर सकते हैं तो यहां पर हमारा वोल्टर कहता है कि कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता राइट. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब है एनी डिविडेंड पे आउट रेशियो इज द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो राइट. सो इन दिस वे वोल्टर सजेस्ट दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनीज टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के. आर एंड के ई के रिलेशनशिप के बेसिस पर वॉल्टर बताता है कि कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारी कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए राइट. तो जो उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे वॉल्टर अप्रोच के बेसिस पर. सो दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट राइट. ओके कॉपी दिस.